भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह यानी टाटा ग्रुप ने देश के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड होने का खिताब अपने नाम कर लिया है। बता दें, टाटा ग्रुप 26.4 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ देश के कारोबारी समूह में सबसे ऊपर है। वहीं टाटा ग्रुप पहला ऐसा इंडियन ब्रांड है जिसने 25 अरब डॉलर के मार्क को पछाड़कर अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है। साथ ही बता दें कि भारत के सभी टॉप वैल्यूएबल ब्रांड्स ने पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तरक्की की है। उनकी कुल वैल्यू $2 ट्रिलियन पर पहुंच गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की 2023 की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई कि जिसमें दुनिया के 500 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड को रैंकिंग दी गई है। कोरोना संकट के बाद कारोबारी स्थितियों में बदलाव और जियोपॉलिटिकल रीजंस के बीच भारत के टॉप 100 वैल्यूएबल ब्रांड्स ने शानदार तरक्की की है और उनकी कुल वैल्यू $2 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई है। वहीं अब अगर बात करें टाटा समूह की, तो पिछले 2 से 3 सालों में टाटा ग्रुप के कामकाज में कई राजनीतिक बदलाव हुए हैं। जैसे कि टाटा ग्रुप का डिजिटल मीडिया पर फोकस बढ़ा है और अपने डाइवर्स पोर्टफोलियो में कंपनी तकनीक का व्यापक उपयोग करने की योजना बना रही है। साथ ही कम्युनिटी वेलफेयर और सस्टेनेबिलिटी के मामले में टाटा ग्रुप की रैंकिंग हमेशा से बेहतर रही है, जो आगे चलकर और भी बेहतर हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट में कहा गया कि टाटा ग्रुप ने ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबिलिटी परसेप्शन वैल्यू में 49वें नंबर पर जगह बनाई है। तो वहीं ब्रांड वैल्यू में टाटा ग्रुप भारतीय कंपनियों में सबसे ऊपर है। इसके साथ ही टाटा समूह के ब्रांड ताज ने सबसे मजबूत ब्रांड होने का खिताब हासिल किया है। बता दें, ताज ब्रांड की मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, फैमिलैरिटी, लॉयल्टी और स्टाफ सेटिस्फैक्शन के साथ साथ कॉरपोरेट रेपुटेशन की वजह से ये खिताब उन्हें मिला है, जो ताज ग्रुप की ब्रांड वैल्यू को $374 मिलियन के करीब ले आया और ताज भारत के सबसे मजबूत ब्रांड के तौर पर सामने आया है। टाटा ग्रुप का इस मुकाम पर पहुंचना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। आपकी टाटा समूह की पसंदीदार कंपनी कौन सी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।